मध्य प्रदेश राजस्थान में जो हुआ वो छत्तीसगढ़ में होना तय है। राजस्थान में सचिन पायलट के बागी होने के बाद छत्तीसगढ़ में ऐसी आवाजें क्यों उठ रही हैं? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों को सचिन पायलट का धन्यवाद करना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। ज्योतिरादित्य सिंधिया बागी हुए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई। सचिन पायलट बागी हुए तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में उथल पुथल मच गई। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो 90 में 69 विधायक कांग्रेस के पास हैं। भैया, यहां क्या दिक्कत है? राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़कर छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी के लोग कहने लगे जो राजस्थान मध्य प्रदेश में हुआ वो छत्तीसगढ़ में होना तय है? छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लोग ऐसा क्यों कहने लगे कि कांग्रेस के विधायकों को सचिन पायलट का धन्यवाद कहना चाहिए? पूरी कांग्रेस पार्टी रायपुर से लेकर दिल्ली तक घबराई हुई है। कांग्रेस पार्टी में कोई नेतृत्व नहीं है, उनका नियंत्रण समाप्त हो गया है और वो घबराहट का परिणाम है कि अब इनके निर्णय जो है वो गलत निर्णय, गलत स्टेप उठाए जा रहे हैं। हो सकता है अब इनके सब निर्णय जो है वो गलत निर्णय है और गलत निर्णयों के कारण असंतोष है और असंतोष का परिणाम राजस्थान और मध्य प्रदेश है और अब इन्हें डर लग रहा है और जो राजस्थान में हुआ है, जो मध्य प्रदेश में हुआ है, वो छत्तीसगढ़ में भी होना तय है। कांग्रेस में कभी कोई मापदंड नहीं होता, कांग्रेस में तो उपकृत करने का काम होता है। तो इसमें कांग्रेस के जितने गुट हैं उसमें सबके लोगों को उपकृत करने का काम किया गया है, परंतु इसके बाद भी जो असंतोष है वो समाप्त नहीं होना है, क्योंकि इसमें किसी गुट के ज्यादा लोगों को उपकृत कर दिया गया है, किसी गुट के कम लोगों को उपकृत किया गया है। मैं पूरी कहानी आपको विस्तार से बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने 18 महीने का वक्त हो गया है, लेकिन राजस्थान में सचिन पायलट के बागी होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरह से विधायकों को लेकर चिंतित और सक्रिय दिखाई दी पिछले 3 दिनों में, उसके बाद ऐसी चर्चा आम हो गई कि छत्तीसगढ़ में भी राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह कुछ होने वाला है। लेकिन 90 में से 69 विधायकों के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार मजबूती से डटी हुई है। ये बात अलग है कि 18 महीने तक जिन नियुक्तियों का इंतजार लंबे समय से हो रहा था, विधायक भी कर रहे थे, कांग्रेस के वो तमाम कार्यकर्ता भी कर रहे थे जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिलाने के लिए घर घर जाकर लोगों से वोट मांगा था, वोट मांगकर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए उनसे निवेदन किया था। राजस्थान में सचिन पायलट बागी न हुए होते तो क्या छत्तीसगढ़ में 25 विधायकों को पद से नवाजा नहीं जाता? ऐसा क्यों लगने लगा और ऐसा क्यों कहने लगी बीजेपी, उसके पीछे का भी कारण हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि बीजेपी पिछले 1.5 महीने से लगातार ये कहने लगी थी कि कांग्रेस की सरकार में अंदर ही अंदर भारी नाराजगी चल रही है। सबसे पहला बयान आया था बीजेपी की नेत्री सरोज पांडे का। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इस सरकार की उम्र कितनी है या कितना जीवन है इस पर भी सवाल है। उसके बाद रमन सिंह मुखर हो गए और वो भी लगातार एक ही बात कह रहे थे कि इस कांग्रेस की सरकार में मंत्रियों की, विधायकों की और मुख्यमंत्रियों की आपस में नहीं बन रही। ऐसे में राजस्थान में सचिन पायलट के बागी होने के बाद 25 विधायकों को 3 दिन के अंदर पद से नवाज देने के बाद बीजेपी ये कहने लगी है कि सचिन पायलट बागी न हुए होते तो कांग्रेस के विधायकों की किस्मत खुली न हुई होती। अब कांग्रेस के विधायकों को जब पद मिल गया है तो उसके बाद ये कहा जाने लगा है कि बाकी के जो विधायक बचे हैं उन्हें कैसे मनाया जाएगा। कुल मिलाकर कुछ विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर, कुछ को बोर्ड में प्राधिकरण में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाकर और कुछ को निगम मंडल में नियुक्त कर कांग्रेस के विधायकों को खुश करने की कोशिश की गई है। करीब 25 विधायकों को 3 दिन के अंदर पद दिया गया है
और जिसके बाद छत्तीसगढ़ में ये कहा जाने लगा है कि छत्तीसगढ़ में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन इस बीच शांत बैठी बीजेपी इस पूरे मुद्दे को राजस्थान से जोड़ दी और सचिन पायलट को अब कांग्रेस के विधायकों को धन्यवाद देने की नसीहत दे रही है। सियासत यही है और बीजेपी भले ही 15 सीट के साथ विपक्ष की भूमिका में हो, लेकिन एक बार फिर राजस्थान में हुए घटनाक्रम के बाद खुद की संभावना तलाशने में जरूर लग गई है। 90 में 69 विधायक हैं, ये सबको जान लेना चाहिए। इसलिए छत्तीसगढ़ में राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसा कुछ होगा, फिलहाल इसकी संभावना दिखाई नहीं दे रही। ABP News आपको रखे आगे।